हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरिंग। दोस्तों स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो वो है NS200। और दोस्तों ये बाइक आई है हमारे पास गुड़गांव से, जो कि गुड़गांव से हमारी वर्कशॉप है कम से कम 30-35 किलोमीटर। और इन भाई ने हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक बाइक के अंदर, जिसके अंदर हमने इंजन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो इन्हें वो वीडियो बहुत पसंद आई थी और ये वो वीडियो देख के हमारे पास फाइनली ये जो बाइक है लेके आ चुके हैं गुड़गांव। चलिए दोस्तों फटाफट से एक बार सेल्फ मारता हूँ और बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ, उसके बाद इसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो ये NS200 जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, ठीक है, आप देख सकते हो बाइक की जो हालत है। और दोस्तों इस लीज किससे बचना चाहते हो तो एक सिंपल सा तरीका है, जो मैग्नेट कॉइल होती है, तो एक बार आप इसमें बॉन्ड वगैरह लगवा कर लीकेज को रोक सकते। और बात करते हैं इसके इंजन के साउंड की, तो सबसे पहले एक बार आपको मैं साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद फटाफट से इसके इंजन खोलते हैं और इंजन खोल के अंदर चेक करते हैं आखिर वो कौन से पार्ट डैमेज है जो इतनी ज्यादा आवाज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से एक बार सेल्फ मारते, तो आवाज सुनो एक बार आप पे भी लीकेज हो रही है, देख रहे हो काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है। साउंड सुना, सुना दोस्तों अपना साउंड कितना गंदा साउंड आ रहा है। और बाइक स्मोक भी नहीं करी गाड़ी, यहाँ पे फिर से आवाज बढ़ गई, मतलब रेस से एक बात तो आवाज इतनी बढ़ जाती है मानो इंजन के पार्ट जो अंदर से टूट के बाहर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से बोलना इंजन को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों जैसे कि आप यहां से देख सकते हो इंजन को निकाल दिया बाहर, और इंजन जो है हमने यहां पे रखा हुआ है। और सबसे पहले दोस्तों इसका इंजन ऑयल निकला था, और इंजन ऑयल निकाल नीचे देखा दो तीन टुकड़े ऐसे गिरे धड़ धड़ ट्रे में, और छोटे मोटे टुकड़े नहीं है, अच्छे खासे मोटे टुकड़े हैं। देखो ये देखो आप, ये देखिए एक बार टुकड़ों को चेक करिए किस चीज़ के टुकड़े हैं, ये देख रहे हो, ये देखिए है इंजन के पार्ट के अंदर के टुकड़े ही, ठीक है। ये देखिए और दिखाता हूँ, एक ये हो गया, दूसरा दोस्तों ये देखो। दोस्तों ये वीडियो में आप छोटे लग रहे होंगे लेकिन इंजन के अंदर ये बहुत बड़े पार्ट हो जाते हैं। तो ये तीन पार्ट थे जो टूट के गए, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंजन नीचे उतार लिया, तो फटाफट से पहले इसको ऊपर से अच्छी तरीके से क्लीन कर। सो पहले दोस्तों यहाँ पे जो है इंजन खुल चुका है, और मैं पूरा इंजन खोलने के बाद आपको दिखाने वाला था इसके अंदर क्या डैमेज है, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम जो पता लग गया, मतलब मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों। और मैं तो हैरान हूँ कि बाइक स्टार्ट क्यों है। तो सबसे पहले हेड देखो, ये देख सकते हो आप, ये हेड देखिए, ठीक है, ये देखिए हेड ओरिजिनल वाल है इसके अंदर। और ये देखो ये है इसकी सिलेंडर किट, सिलेंडर किट पे दोस्तों आप देख सकते हो निशान, जो एक मोटा सा निशान आया हुआ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा इसकी सिलेंडर किट, ये देखो भाई साहब, ये देखो मतलब बाइक स्टार्ट कहते कैसे, मतलब ये हैरान हूँ इतना ज़्यादा पिस्टन टूटने के बाद भी जो गाड़ी गुड़गांव से चल के आ गई। ये देख रहे हो, ये देखिए मतलब ये देखिए, और इसका जो पार्ट है ये छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा मोटा पार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो ये वाला हिस्सा पूरा गायब है, ये देखो। तो आखिरकार इसका इतना सारा जो पार्ट है वो कहाँ है, तो वो होगा अपने गियर बॉक्स में, ठीक है। फटाफट से इसको खोलते हैं और जो अंदर इसका जो पार्ट टूटा उसको ढूंढते हैं कहाँ पर है। जो छोटे छोटे टुकड़े आए थे मैं जो बता रहा था वो दोस्तों इसी के हैं, जितने यहाँ से आगे होंगे इधर की तरफ से ऊपर की तरफ से वो तो आगे, बाकी यहाँ से देखते हैं। बाकी गियर बॉक्स पूरा खोलते हैं, क्रैंक को अच्छी तरीके से चेक करते हैं और इस पार्ट में क्या क्या नुकसान किया अंदर वो भी देखें। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं ये पिस्टन जो है किस कारण टूटा है, ठीक है, आप कमेंट करना ना भूलें फटाफट। जो जिसके मन में है जैसा है, थोड़ा बहुत ज्ञान है कोई बात नहीं, ज़्यादा ज्ञान है जितना भी ज्ञान है पे लो, फटाफट ज्ञान पे लो, यूट्यूब बने ज्ञान पेलने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है पूरा चैम्बर खोल दिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर ये रहा। और दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी ऑयल स्टैनर की, तो दोस्तों ये होता है ऑयल स्टैनर। तो ये देखो हमने वापस से ऑयल स्टैनर को लगा दिया था इंजन निकाल के, और देखो दोबारा से खोला तो इसके अंदर जो है पिस्टन की रिंग है वो लगी हुई है, कुछ इस तरीके से जो पार्ट चुपके आते हैं जब हम खोलते हैं, तो ये शायद ऐसे निकालते वक्त में अंदर ही गिर गई होगी क्योंकि इसके साथ में नहीं आ पाई होगी। तो ये देखिए, देख रहे हो ये है पिस्टन की रिंग, इसको भी संभाल के रखते हैं। कुछ पार्ट है जो मैं पिस्टन के ऊपर रख रहा हूँ जो निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से पिस्टन की रिंग को, ये रहा, बाकी अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। और ये देखो साथ में यहाँ पे देखो दोस्तों, ये ऑयल स्टैंड यहाँ लगा होता है इसके साथ में, देखो अंदर ये रहा, ये टूटा हुआ है। बाकी गियरों को भी खोलेंगे, गियर के अंदर भी हो सकता है फंसे हों, और गियर के अंदर फंसेंगे तो इनका कुछ मुड़ बना देगी दोस्तों गियर, ठीक है। बाकी चेक करना बहुत ज़रूरी है, पूरे गियर बॉक्स को हटाना है, क्रैंक बाहर निकालनी है, क्रैंक की साइड पहले तो ठीक ठाक है और खड़ी पहले उसको चेक करते हैं, बाकी एक बार ना खोल के चेक करते हैं। दोस्तों क्या होता है ये जो बुश होते हैं ना अंदर, ये डैमेज होते हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है दोस्तों किसी किसी गाड़ी में, क्या होता है साइड पहले भी ज़्यादा नहीं होती और खड़ी पहले भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब खोलते हैं तो उसके जो बुश होते हैं वो सीज हो गए होते हैं। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा इंजन करने के बाद दो ढाई महीने के बाद फिर से दिक्कत आ जाती है बाइक के अंदर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेड की पैकिंग के ऊपर दोस्तों, ये देखिए
जो हेड की पैकिंग है ये तो हम चेंज करते हैं हर इंजन पे, जरूरी है दोस्तों, और ओरिजिनल ही डालते हैं, ठीक है। एक तो ये पार्ट चेंज होगा, ठीक है। बात करते हैं इसके पिस्टन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था टूटा हुआ है, और देखो ये है सारे सारे पिस्टन का जो पार्ट टूटा हुआ निकला है, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, और ये पिस्टन रिंग टूटी हुई है, ये पिस्टन टूटा हुआ है, पूरा का पूरा टूटा हुआ, और कुछ इस तरीके से हमने ये कड़ों में निकाला है अंदर से इंजन के, ठीक है। ये देखिए, और कुछ पार्ट है यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए, ये है गियर शाफ्ट, और दोस्तों गियर शाफ्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा इंजन कर दिया आपने, और फिर इंजन करने के बाद बंदे का गियर ही नहीं डल रहे, गियर में इशू आ रहा, बंदा परेशान हो रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ऑयल स्टैंडर है, इसको तो अच्छी तरीके से साफ करके लगाएंगे, ठीक है। अगर ये ज़्यादा ख़राब हो रहा होता, सुकड़ रहा होता, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा होता, तो हम यहाँ पे इसे नया डाल देते। बहुत सस्ता पार्ट है लेकिन काम का बहुत है ये, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे सिलेंडर किट दोस्तों नहीं डलेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है पिस्टन टूटा हुआ निकला है, पिस्टन के साथ ही सिलेंडर किट आती है। इसके वाल की बात करें दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, इसके वाल क्या बैंड है, ये देखो हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, बाकी इसके वाल सेट तो नए डालने, जब भी इंजन होता है तो वाल करेंगे, वाल की गाइडें चेक करेंगे, साथ में इनके दोनों रॉकर और कैमशाफ्ट उनको भी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फटाफट से अब इसको अच्छी तरीके से जितने भी पार्ट है सारे सारे क्लीन करते हैं, और जो नए पार्ट है वो हम आपको दिखा देंगे, और फटाफट से इंजन को फिट करते हैं। सो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चैम्बर को नीट एंड क्लीन कर दिया है, यहाँ पर बढ़िया करके चमकाया एकदम से, आप देख सकते हो। ये देखो, अभी मैं आपको नीचे वाला दिखाता हूँ चैम्बर, ये देखो, ये गेयर ड्रम, जैसे कि मैं आपसे कहा था ये जो बैरिंग होता है अच्छी तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने बैरिंग चेक कर ली, बैरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस बढ़िया करके इनको ऑयलिंग वगैरह करा जाएगा, और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको क्लीन करके फटाफट से गेयर बॉक्स बिठाया जाएगा, उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार मैं ना आपको नए पार्ट दिखा देता हूँ। तो देखो, यह मेन चैम्बर पैकिंग, जैसे कि आपको नजर आ रही है, ओरिजिनल की पहचान करिए दोस्तों, ये देखो, ये ओरिजिनल पैकिंग है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नीचे क्रैंक असेंबली है, तो ये देखिए, ये क्रैंक की असेंबली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रैंक असेंबली की जो पिन होती है बहुत ज़्यादा जाम थी, जिसकी वजह से डंडी में हल्का सा बैंडपन था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रैंक असेंबली को चेंज करेंगे, ठीक है। देखो पार्ट नंबर ये रहा, MRP ये रही, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साथ में दोस्तों, सिलेंडर किट होती है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है सिलेंडर किट, और इसका पार्ट नंबर ये है, इसकी MRP ये है, बाकी सिलेंडर किट तो नहीं डलेगी, क्योंकि पिस्टन जो था आपने देख लिया था किस तरीके से टूटा हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग चेंज की, तो आप यहाँ पर टाइमिंग चेन देख सकते हो, ये है JL करके पार्ट नंबर से आएगा, सारा सारा जितना भी सामान है दोस्तों JL से ही आता है, NS 200 का, और इसकी MRP आप चेक कर सकते हो, पार्ट नंबर भी, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं इसके टेंशनर की, तो ये देखिए आप टेंशनर यहाँ पे देख सकते हो, जो कि JC पार्ट नंबर से आता है, और 207 रुपये का टेंशनर है, और सारा ये जो जितना भी सामान है सब जेन्युइन है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वाल सेट की, तो JL के पार्ट नंबर से आता है वाल, और वाल की MRP आप चेक कर सकते हो, ये दो वाल की MRP है, बाकी दो वाल की ईयरिंग, ठीक है। और काफ़ी कुछ पार्ट्स और भी हैं, जैसे कि देखो वाल की सील है, जैसे वाल सेट नया डलता है तो वाल की सील डलती है, बाकी ख़राब क्या आता है, और गाइड की चेकिंग होती है, जो कि दिक्कत होती है तो काम होता है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो वीडियो आराम से मिल जाए, ठीक है। फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्रैंक असेंबली है, गियर बॉक्स है, इसको कंप्लीट करते हैं इसके अंदर। सो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंजन जो है कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, क्रैंक असेंबली बैठ चुकी है, और सिलेंडर भी बैठ चुकी है, जो हेड के अंदर वाल वगैरह काम था वो भी कम्प्लीट होगा, वाल वगैरह चेंज होगा यहाँ पे। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों आगे तक टूटा क्यों, और किस कारण से क्रैक होता है, किन कारण से ये वाली हालत होती है, जो कि आपने देखा था। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि पिस्टन है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये पिस्टन और या कोई भी पिस्टन या क्रैंक की डंडी कुछ भी टूटता है, सीज होता है, वो 101% जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हीटिंग की दोस्तों। अगर आपकी बाइक में कूलेंट है, अगर बाइक में 1 लीटर कूलेंट डालना ज़रूरी है, 1 लीटर कूलेंट नहीं डालते हो, और उसके अंदर आधा लीटर कूलेंट होता है या आधा लीटर से कम होता है, या कूलेंट की जगह पर पानी होता है, तब दोस्तों पिस्टन क्रैंक ये सब में टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। और ये पिस्टन जो टूटा है वो हीटिंग के कारण टूटा है। और दोस्तों कूलेंट की बात करें, कूलेंट सिर्फ में आधा लीटर कूलेंट था, इसलिए कहता हूँ दोस्तों हर जगह जगह पर सर्विस नहीं कराना चाहिए, एक ही जगह पर सर्विस कराना चाहिए। और दोस्तों सर्विस के साथ साथ आपको ध्यान रखना, आपकी बाइक है जो ये लिक्विड कूल्ड इंजन होते हैं, इनके अंदर जो कूलेंट होता है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी मायने रखता है इस बाइक के लिए, इस इंजन के लिए, इस इंजन को ठंडा करने के लिए। तो बस इंजन जो ख़राब होने का रीज़न होता है ना दोस्तों, वो होता है कूलेंट और ख़राब इंजन ऑयल, मतलब सर्विस लेट कराना या सस्ता इंजन डलवा लेना, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें होती हैं जो इंजन के अंदर जो पार्ट होते हैं, पिस्टन होगी, क्रैंक होगी, वाल होगी, टाइमिंग चेन होगी, टेंशन होगी, जो डैमेज होने के चांस होते हैं। और जो इसके अंदर दिक्कत थी वो थी कूलेंट का इशू था, हीटिंग का इशू था, हीटिंग की वजह से जो है ये पिस्टन टूटा था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी कि ये पिस्टन टूटा है, फटाफट से दोस्तों इस इंजन को पैक करते हैं और सीधा बाइक के अंदर चढ़ाते हैं। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे जो इंजन है हमारा बाइक के अंदर लग चुका है, जैसे कि आपने देखा था इस इंजन के अंदर बहुत गंदा वाला साउंड आता, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा,
चलिए दोस्तों, फाइनली जो हमने इंजन का काम किया उसके बाद अब जो मेन काम मसला वो सर साउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि टेपेट की फालतू नॉइज़ का मैं फटाफट से सुनते हैं। यहाँ पर चार्जर भी सब ऑन है, हाफ चार्जर बाइक